साल 1995 में राज कपूर के निर्देशन में बनाई गई राम तेरी गंगा मैली बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों में एक मानी जाती है, जिसके हर एक किरदार को दर्शक आज भी भुला नहीं पाए हैं। और इन्हीं के किरदारों में से एक किरदार था राधा का, जो फिल्म में नरेंद्र की होने वाली पत्नी होती है। और इसी के चलते ये किरदार फिल्म में एक काफी ज्यादा अहम भूमिका में था, जिसे पर्दे पर पेश करने वाली अदाकारा अपने किरदार के लिए दर्शकों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी, जिन्हें आज भी दर्शक इस किरदार के लिए काफी ज्यादा याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को पर्दे पर आए करीब 35 साल पूरे हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 35 सालों में इस फिल्म में राधा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है और कैसे दिखती है? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में राधा के किरदार को पर्दे पर उतारने वाली अभिनेत्री का असली नाम दिव्या राणा है, जिनका जन्म मुंबई में हुआ था और इसी के चलते इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से ही पूरी हुई थी। वहीं अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म एक जान है हम से की थी, पर अफसोस इन्हें इस फिल्म में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। पर इसके बावजूद इनके अभिनय को देखते हुए इन्हें राज कपूर ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने का मौका दिया, जिसे उन्होंने काफी अच्छे से पर्दे पर उतारा था। और इसलिए इन्हें आगे परम धर्म, वतन के रखवाले और माँ कसम जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसके चलते इन्हें आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस फिल्म को पर्दे पर आए करीब 35 साल हो चुके हैं और इसलिए फिल्म में राधा के किरदार में नजर आई अभिनेत्री दिव्या राणा भी पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। बात करें इस अभिनेत्री के आज के बारे में, तो आपको बता दें कि दिव्या राणा आज लाइमलाइट से कोसों दूर रहती है और इसी के चलते इनकी वर्तमान में एक भी तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। बताया जाता है कि इन्होंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की थी वे कुछ खास नहीं रही थी, जिसके चलते इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, फसल नाम के शख्स से शादी की और आजकल उनके साथ मुंबई में रहते हुए एक फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा वो मूर्तिकार हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं। तो दोस्तों, अभिनेत्री दिव्या राणा के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।